आगे बढ़ते हैं सर, स्टेप थ्री दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस में तीसरा एरिया जो हमने कवर करना है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का, वो एरिया हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का है। सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कि कस्टमर और एंटिटी के दरमियान, पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से डिसाइड हो, एग्री हो कि पेमेंट में कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग का कंपोनेंट हो। ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि कस्टमर और एंटिटी के दरमियान गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट टर्म्स है वो इस तरह से डिसाइड की जा रही हो कि उसमें कोई ना कोई फाइनेंसिंग, कोई ना कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट भी शामिल है। अगर आपकी पेमेंट टर्म्स में कोई ना कोई फाइनेंसिंग का एलिमेंट है और वो फाइनेंसिंग का एलिमेंट सिग्निफिकेंट है, तो फिर आपके लिए लाजिम है कि आप अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से फाइनेंसिंग कंपोनेंट को एडजस्ट करोगे। मैं इंटेंशनली ये नहीं कह रहा कि ट्रांजेक्शन प्राइस से फाइनेंसिंग कंपोनेंट को लेस करोगे, मैं कह रहा हूं उसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कहीं पे कस्टमर एरियस में पे कर रहा होगा, कहीं पे कस्टमर एडवांस में पे कर रहा होगा। तो अगर कस्टमर एरियस में पे कर रहा है तो शायद हमारी एग्रीड कंसिडरेशन से इंटरेस्ट का कंपोनेंट लेस होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। लेकिन अगर कस्टमर एडवांस में पे कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट हमारी एग्रीड प्राइस में ऐड हो रहा हो आपकी टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले से रीड करता हूं, फिर इसके एग्जांपल वगैरह देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इफ द टाइमिंग ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स आइदर कस्टमर और एंटिटी विद सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ फाइनेंसिंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांजेक्शन प्राइस इज एडजस्टेड, टू रिफ्लेक्ट द फाइनेंसिंग कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से है, पेमेंट की टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि आपका कस्टमर या फिर एंटिटी, इन दोनों में से कोई एक फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, इन दोनों में से कोई एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस एग्रीड प्राइस में कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट आपको इसको एडजस्ट करना है। अब एक चीज समझिएगा कि जो बंदा पैसा होल्ड करके बैठा हुआ है ना, वो फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, और जो फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बियर करेगा। जो बंदा पैसा फॉरगो कर रहा है वो फाइनेंसिंग का बेनिफिट फॉरगो कर रहा है, और वो फाइनेंसिंग बेनिफिट फॉरगो करने के अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम अकाउंट फॉर कर रहा होगा। जो बंदा पैसा होल्ड करके बैठा हुआ है वो बंदा फाइनेंसिंग का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। जो बंदा पैसा फॉरगो कर रहा है वो फाइनेंसिंग का बेनिफिट फॉरगो कर रहा है, वो अपने पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहा होगा। फिर कहता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कैन बी आदर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड बाय द पेमेंट टर्म्स एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। सर फाइनेंसिंग का एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट मेंशन हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट्स से कोई मशीनरी सेल करता हूं 10 लाख रुपए की, सामने वाला बंदा कहता है कि भाई मैं मशीनरी बाय करना चाहता हूं लेकिन मैं पेमेंट 1 साल के बाद करूंगा, तो मैं उसे कहता हूं कि भाई आपको ये मशीनरी 10 लाख रुपए की है, इस 1 साल की डेफर्ड पेमेंट के आपको ऊपर आपको मुझे 12% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये तो एक्सप्लिसिट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, इसको तो हम एडजस्ट करेंगे करेंगे। और फॉर एग्जांपल कि भाई एक दुकानदार आता है मेरे पास, वो कहता है भाई मुझे मशीनरी बाय करनी है, मैं पेमेंट आपको 1 साल के बाद करूंगा और मैं कोई सूद वूद नहीं दूंगा, तो मैं उसे कहता हूं भाई ये 13 लाख रुपए की मशीनरी है, तो यहां पे मैंने उसे इंटरेस्ट सेपरेटली नहीं बताया लेकिन डेफर्ड पेमेंट की वजह से मैंने उसे हायर प्राइस चार्ज की, तो इसका मतलब है कि यहां पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंप्लाइड है। एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ पीरियड बिटवीन द ट्रांसफर एंड पेमेंट इज 12 मंथ और लेस। अगर आपकी पेमेंट टर्म्स का पीरियड और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के दरमियान ड्यूरेशन अगर 12 महीने से कम है तो यहां भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो इनसिग्निफिकेंट होगा, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जहां पे पेमेंट टर्म्स 12 महीने से ज्यादा हो रही होंगी तो वहां पे हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे और अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट कर रहे होंगे। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में 3-4 महीने का क्रेडिट तो वैसे ही चल रहा होता है, तो 3-4 महीने का अगर क्रेडिट है तो इसमें हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को सेपरेट नहीं करते। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आधार इस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं। तो इसकी बेसिकली दो हिंट है, नंबर वन हिंट, अगर कैश सेलिंग प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड कंसिडरेशन, डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि यहां पे कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, एक चीज कैश में 1 लाख रुपए की अवेलेबल है और आप किसी से बाय कर रहे हो, एक सर्टेन टाइम के बाद पेमेंट कर रहे हो और 1.5 लाख रुपए की बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि यहां पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। या फिर आपकी पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये दोनों चीजें सेम डेट पे ना हो रही हो, डिफरेंट डेट पे हो रही हो, तो यहां पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। पहली एंड तो क्या है,
कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड कंसिडरेशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज की कैश सेलिंग प्राइस ये दोनों डिफरेंट है, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट छुपा हुआ है, या फिर अगर डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सर आसान सी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसकी, आज मैं आपको गुड सेल करूं, पेमेंट डेढ़ साल बाद रिसीव करूं, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट है जो कि मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस को एडजस्ट करवाएगा। आज मैं आपसे पेमेंट रिसीव कर लूं और डेढ़ साल के बाद आपको पेमेंट करूं, सॉरी आज मैं आपसे पेमेंट रिसीव कर लूं और डेढ़ साल के बाद आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करूं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही होगी। एक सवाल देखते हैं उसके बाद इसकी मुश्किल चीज डिस्कस करते हैं कि कहां पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आए, क्वेश्चन नंबर 12, वॉइस लिमिटेड इंटेंट टू बाय, वॉइस लिमिटेड इंटेंट टू बाय 30 ट्रक्स फ्रॉम ऑटो कार्स लोकल कार डीलर, हाउएवर ड्यू टू कैश शॉर्टेज वॉइस इज नॉट एबल टू पे इमीडिएटली आफ्टर प्लान डिलीवरी, therefore ऑटो कार एग्री दैट वॉइस विल पे द प्राइस आफ्टर वन ईयर। एक कंपनी है वॉइस लिमिटेड जो कि 30 ट्रक सेल कर रही है ऑटो कार को, कैश शॉर्टेज होने की वजह से ऑटो कार फॉरन पे नहीं करेगा बल्कि एक साल के बाद पे करेगा। प्राइस पर ट्रक इज 32,000, however ऑटो कार एग्री टू रिसीव पेमेंट इन वन ईयर ओनली इफ वॉइस एक्सेप्ट इंक्रीज पेमेंट ऑफ 33,000 पर ट्रक, द ऑटो कार कॉस्ट ऑफ ट्रक इज 28,000। कह रहा है ट्रक 28,000 रुपए की कॉस्ट है, आम हालात में कैश पे 32,000 का बिकता है, लेकिन चूंकि ऑटो कार वाले में एक साल के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो हम उनको कितने का बेचेंगे, 33,000 रुपए का। व्हाट शुड ऑटो कार रिकॉग्नाइज इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हेन। अब देखें यहाँ पे कैश सेलिंग प्राइस और एग्रीड कंसीडरेशन डिफरेंट है, तो पहला इंडिकेटर के यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी डे वन और पेमेंट 365 दिन बाद हो रही है, तो ये एक इंडिकेटर है कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। तो बहुत आसान से सवाल है सर, सॉल्व कर लें जरा इसे खुद से। सर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवा देता हूं पहले। देखिए यहाँ पे सिंपल सा डाटा है हमारे पास, 32,000 की नॉर्मली प्राइस होती है, लेकिन इस बंदे को इस ऑटो कार लिमिटेड को चूंकि हम एक साल की डेफर्ड पेमेंट पे सेल कर रहे थे, हम उसे 33,000 चार्ज कर रहे हैं, तो डे वन पे ईयर जीरो पे हमारे पास सिंपल एंट्री बन जाएगी, रिसीवेबल डेबिट 32,000 रुपए, रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट तो 32,000 इंटू 30 कर दें 9,60,000। और एक साल के बाद अगर आप पहले इंटरेस्ट की एंट्री अलग रिकॉर्ड करें या एक साथ ही अकाउंट फॉर कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट भी कर दें सर 28,000 इंटू 30 8,40,000। पहले साल के बाद आपको 32,000 की जगह 33,000 रुपए अमाउंट रिसीव होगा, तो मैं इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट बढ़वाऊं या एक ही एंट्री में कंसोलिडेट कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले साल के बाद रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी 30,000 से। ये 30,000 कैसे आया सर, हर ट्रक पे 1,000 रुपए का फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, तो 30 ट्रक, और फिर आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो कैश डेबिट 33,000 इंटू 30 990, और रिसीवेबल आपका 990 का ही है जो कि क्रेडिट हो जाएगा। कॉपी करें तो अगले सवाल पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। An entity entered into a contract with the customer to sell an asset. An entity entered into a contract with the customer to sell an asset. Control of the asset will be transferred to the customer in 2 years' time. That is, performance obligation will be satisfied at a point in time. The contract includes two alternative payment options. That is, payment of 5,000 in 2 years' time when the customer obtains the control of the asset, or payment of the 4,000 when the contract is signed. The customer elect to pay ₹4,000 when the contract is signed. कहते हैं कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कहता है 2 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम सेटिस्फाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में हमने कस्टमर से कहा या तो आज ही 2 साल पहले 4,000 रुपए पे कर दो, या जब 2 साल के बाद तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिले तब 5,000 रुपए पे कर देना, और कस्टमर ने 4,000 की पेमेंट का ऑप्शन पिक करा है। तो आसान सी जनरेटरी बना ले सर इसकी खुद ही। सर मैं सॉल्व करवा देता हूँ उसे, क्वेश्चन नंबर 13।
अब इस केस में क्या हो रहा है, कि डे वन पे कस्टमर हमें पे कर रहा है 4000 रुपए और 2 साल के बाद हम इसे गुड्स की डिलीवरी देंगे या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये पेमेंट इस दिन करता तो वो हमें पेमेंट करता 5000 रुपए, यानी कि इस केस में इंटरेस्ट वो हमें चार्ज कर रहा है 1000 रुपए का। तो मैं एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि हम 500-500 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो फिर कंपाउंडिंग तो नहीं होगी ना, तो कंपाउंडिंग के लिए हमें एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, 5000 डिवाइडेड बाय 4000, 1+x% रेज टू द पावर 2। तो जरा देखो इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, 7.5 कितना, 1.25 नहीं सही लिखा है। पहले अपने कैलकुलेटर में 5000 डिवाइड बाय 4000 करें, फिर अंडर रूट आंसर करें, फिर -1 कर दें। सर ये तो बिल्कुल म्यूजिक मैथ है, सही तो लिखा है, पूरा फैक्टर में यहाँ ले गया, सही है, समझ आ रहा है ना सबको। अब इस 11.8, ठीक है, अब इस केस में ईयर 0 पे क्या एंट्री बनेगी, सर कैश डेबिट 4000, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 4000, पहले साल के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस पीनल में डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट कितने से सर, 4000 रुपए का 11.8%, 472। फिर दूसरे साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एडवांस क्रेडिट कितने से सर, 528। पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाओगे तो ये 528 बनेगा, और फिर आपने गुड सेल कर दी तो एडवांस 5000 से डेबिट, रेवेन्यू 5000 से क्रेडिट। अब देखिए दोनों सवालों में बस मेजर आसान सा फर्क ये था कि यहां पे आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहले सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप एक कस्टमर को लोन दे रहे हो, तो एक साल के बाद आप उसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो आपने अपने पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड। इस केस में कस्टमर आपको पहले पैसे दे रहे हैं, यानी कि कस्टमर आपको लोन दे रहा है, तो मैं पहले 2 साल तक अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर टोटल अमाउंट से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं। कॉपी करें सर, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कार वर्ल्ड सेल्स न्यू कार ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस वेयर बाय 40% डिपॉजिट इज रिसीव ऑन सेल एंड द बैलेंस पेमेंट इज रिसीव एट द एंड ऑफ द 2 years, द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%। ऑन 1st July 2004 अ कार वॉज सोल्ड टू कस्टमर फॉर 2 million, prepared necessary general entries to record the transaction in the books of the car world for the year ended 30 June 2015 and 30 June 2016। सर 2 million में से हमें 10% एडवांस में डिपॉजिट मिल गया है, सॉरी 40%, और रिमेनिंग अमाउंट जो हमें 2 साल के बाद मिलेगा, और 10% का इंटरेस्ट का रेट अप्रोप्रिएट है। 1st July 2004 पे 2 million की मोटर व्हीकल सेल हुई है, जरा एंट्री रिकॉर्ड करें इसकी। यहाँ देखिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि एक व्हीकल जो कि आपने सेल करा है वो 2 million का सेल करा है, 40% में डाउन पेमेंट करेगा, रिमेनिंग 60% 2 साल के बाद पे करेगा। अब ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग 60% के ऊपर वो 10% इंटरेस्ट पे करेगा, वो तो हमें इन टोटलिटी 2 million ही पे करेगा।
हमने अपने रेवेन्यू को एडजस्ट करना है क्योंकि इस 2 मिलियन के अंदर कोई ना कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट है। अगर मैं अपने कैश फ्लोस प्लॉट करूं तो ईयर 0, 1 और 2 2 मिलियन का 40% यानी कि 8 लाख रुपए मुझे आज मिल जाएंगे और 60% यानी कि 12 लाख रुपए मुझे 2 साल के बाद मिलेंगे। तो डे 1 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए मुझे इस 12 लाख की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड 10% से। ऐसा ही है तो हमारे पास ये टोटल कितना बन रहा है 179,136। तो ईयर जीरो पे हमारे पास रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। कितने से सर? 179,136। कैश डेबिट होगा सर 8 लाख रुपए से और जो डिफरेंशियल आया दैट इज 991,736। सर पहले साल के बाद रिसीवेबल के ऊपर पहले साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा तो रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट कितने से सर 991,736 का 10% 99174। इसी तरह दूसरे साल के आखिर में भी रिसीवेबल के ऊपर कुछ मजीद इंटरेस्ट अक्रू होगा तो रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट कितने से सर 991736 प्लस 99174 इन दोनों का 10% 109091 और ये दोनों रिसीवेबल्स को एड ऑन करने के बाद जो रिसीवेबल का टोटल नंबर है वो 12 लाख हो जाना चाहिए। तो फिर आपके पास ईयर 2 पे आपके पास 12 लाख की पेमेंट आएगी तो कैश डेबिट 12 लाख रुपए और रिसीवेबल क्रेडिट 12 लाख रुपए। तो ये आसान सा सवाल था सर, कॉपी करें इसे। तो फिर इसके बाद हम लास्ट सवाल देखते हैं आज का। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अनम लिमिटेड बॉट एंड ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ गुड्स फ्रॉम साइमा लिमिटेड ऑन 1st जुलाई 2021। The parties have agreed to fix contract price of 880,000 to be paid on 30 June 2022. The normal credit period is 15 to 30 days in the relevant industry. SL offer the same goods for 8 lakh if paid within normal credit period. AL and SL have year end of 30 June. Past journal entries to record type of transaction in the books of AL and SL both. Sir, 1st July 2021 mein humne 880,000 rupees ke goods beche, payment hame एक साल के बाद 30 जून 2022 में मिलेगी। आम हालात में ये गुड्स बल्कि एक साल के बाद नहीं, हाँ एक साल के बाद पेमेंट हमें एक साल के बाद 30 जून 2022 में मिलेंगे 880,000 रुपए। आम हालात में ये गुड्स 8 लाख के बेचे जाते और दोनों कंपनीज का ईयर एंड 30 जून है तो दोनों कंपनीज की एंट्रीज बना ले सर। सर बहुत आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारे पास, बस दोनों की पर्सपेक्टिव से हमें एंट्री बनानी है। तो हमारे पास मशीन सेल कर रहा है अनम लिमिटेड, तो ये हमारे पास सेलर ऑफ गुड्स होगा और गुड्स बाय कर रहा है साइमा लिमिटेड, तो ये हमारे पास बायर है। डे वन पे दोनों फाइनेंसिंग एलिमेंट को इग्नोर करके अपने पास सेल्स और परचेस रिकॉर्ड करेंगे। ईयर जीरो पे सर रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 8 लाख रुपए। दूसरी वाली पार्टी ईयर जीरो पे परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट 8 लाख रुपए। ठीक है, कुछ कह रहे सही है।
सही कह रही अब ठीक है। इसके बाद एक साल के बाद सेलर ने पेमेंट रिसीव की, एक साल के बाद बायर ने पेमेंट की, तो ईयर वन पे कैश डेबिट 8,80,000, रिसीवेबल डेबिट 8,00,000 और इंटरेस्ट इनकम पीनल में क्रेडिट 80,000। और बायर अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 80,000, पेबल क्रेडिट 8,00,000 नहीं कैश सॉरी पेबल डेबिट 8,00,000 और कैश क्रेडिट 8,80,000। आसान सा सवाल था सर, आसान सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। कॉपी करें आज की क्लास को, हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।